सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अ से ण तक पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ से अनार। अनार खाने से शरीर में खून बनता है। ओके, उसके बाद अ अ से अदरक। अदरक एक जड़ है। आ आ से आम। आम एक रसीला फल है जो गर्मियों में पाया जाता है। आ से आड़ू। आड़ू खट्टे मीठे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ई। ई से इमली। इमली खट्टी होती है और इससे चटनी बनती है। ई से इलायची। इलायची एक मसाला है। ई ई ई से ईंट। ईंट से घर बनाए जाते हैं। ई से इनाम। अच्छा काम करने पर इनाम मिलता है। उप से उपहार। उपहार खुशी के मौके पर दिए जाते हैं। उप से उल्लू। उल्लू एक पक्षी है जो रात को जागता है। ऊ से ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का जानवर है और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊ से ऊन। ऊन से स्वेटर बनाए जाते हैं। ए ए से एड़ी। हमें अपनी एड़ी साफ रखनी चाहिए। ए से एकतारा। एकतारा एक संगीत वाद्य यंत्र है। आई आई से एरावत। एरावत इंद्र भगवान की सवारी है। आई से ऐनक। मेरे पास एक बहुत सुंदर ऐनक है। ओ से ओखली। ओखली मसाले पीसने के काम आती है। ओ से ओम। ओम का जाप करने से मन में शांति आती है। ओ ओम से औजार। औजार का इस्तेमाल चीजें बनाने के लिए होता है। ओम से औरत। अंग से अंगूर। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। अंग से अंगूठी। अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनते हैं। री री से ऋषि। ऋषि तपस्या करते हैं। री से ऋतु। ऋतुएं चार प्रकार की होती हैं, बरसात, पतझड़, गर्मी और सर्दी। अब हम इसके बाद एक गेम खेलेंगे जिसमें आपको सही सही आंसर बताना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आओ एक खेल खेलें। नीचे दिए गए स्वरों को सही चित्रों से मिलाओ। प्रश्न सुनने के लिए स्वरों को रीडर से छुओ। अ से क्या होता है? अ से अनार। वेरी गुड। ए से एक तारा। ओके, उसके बाद आएगा औ से औजार। ओके, चलो अब हम फिर से टर्न करते हैं। अब पहला पढ़ेंगे। दोबारा सोचो। औ से लेट्स गेट बैक। क से कबूतर। कबूतर एक पक्षी है। क से कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ख
से खजाना, ख से खरबूजा, खरबूजा गर्मियों में पाया जाता है, ग ग से गमला, ग से गधा, घ घ से घड़ी, घड़ी हमें समय बताती है, घ से घर, हम घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, न च च से चम्मच, चम्मच से खाना खाया जाता है, च से चरखा, चरखा धागा काटने के काम आता है, छ छ से छतरी, छतरी हमें बारिश और धूप से बचाती है, छ से छलनी, छलनी दूध छानने के काम आती है, च ज से जग, ज से जहाज, जहाज सब झ, झ से झरना, झ से झंडा, भारत के झंडे को तिरंगा कहते हैं, य ट ट से टमाटर, टमाटर एक प्रकार की सब्जी है, ट से टप, टप में पानी भरते हैं, ठ ठ से ठप्पा, ठप्पे से हम कागज पर मोहर लगाते हैं, ठ से ठंड, ठंड में हम स्वेटर पहनते हैं, ड ड से डाकिया, डाकिया डाक लाता है, ड से डमरू, मदारी डमरू बजाता है, ढ ढ से ढक्कन, ढक्कन चीजें ढकने के काम आता है, ढ से ढोल, त्योहारों पे ढोल बजाए जाते हैं, अण। तो हमने अ से ण तक स्वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े, ठीक है। तो आप सब भी अपनी बुक से अ से ड तक पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।